गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम लोगों ने एयर वेजल्स के बारे में बात किया था और हमने ये देखा था कि एयर वेजल का जो काम होता है वो कंटिन्यूस फ्लो रेट सक्शन और डिलीवरी पाइप में बनाए रखना होता है। अच्छा, कंटिन्यूस फ्लो रेट मीन्स वेलोसिटी जो होती है मेजर पोर्शन ऑफ पाइप में क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। बेसिकली जो एयर वेजल यूज़ करते हैं उससे क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी पहले सेनिसाइडल थी, यानी कि जो वेरी कर रही थी सेनिसाइडली, अब क्या होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब, अच्छा हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो हेड लॉस इन पाइप होता है, जो मेजर हेड लॉस होता है पाइप में, दैट इज़ 4FLV² / 2GD, सबको पता है। वेर एफ इज फ्रिक्शन कोफिशियंट, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी इज डाय ऑफ द पाइप, एल इज लेंथ ऑफ द पाइप, एंड वी इज़ वॉट, वी इज़ द वेलोसिटी इन द पाइप। क्लियर है? तो इसका मतलब एयर वेजल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो पाइप में वेरी कर जा रही है, जो पहले वेरिएबल थी अब क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। इसका मतलब देयर विल बी अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अच्छा फ्रिक्शन की वजह से हमें उस वाटर पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इस फ्रिक्शन को हमें ओवरकम करना होता है। ठीक है, तो अगर हम एयर वेजल यूज़ करते हैं तो जो वेलोसिटी चेंज आता है पाइप में उसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, उस पर क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अच्छा, हमको ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है कि एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम जो होता है वो वर्क डन के प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने इंडिकेटर डायग्राम बना रखा है जहाँ पर हमने फ्रिक्शन के इफेक्ट को कंसीडर कर रखा है। ये पैराबोलिक वेरिएशन क्यों है पता है आपको, क्योंकि वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी जो है, मतलब यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पैराबोलिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये समझने वाली है कि एरिया अंडर द पैराबोला जो होता है वो 2/3, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि 2/3 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और ये हाइट बेसिकली क्या है, HF एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल 90 डिग्री मतलब क्रैंक जब है मिड पोजीशन में है, कहाँ पे है, मिड पोजीशन में। क्लियर है? तो ये एरिया अंडर द शेडेड रीजन जो है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द हेड लॉस, वर्क डन ड्यू टू द हेड लॉस इन द पाइप शो कर रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो कैसा है, पैराबोलिक है। क्लियर है? अब आगे जरा बढ़ते हैं इसमें, है ना। अब हमें इस लेक्चर का जो बेसिक मोटिव है वो क्या है कि अगर हम एयर वेजल यूज करते हैं तो कितना वर्क सेव होता है इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन इन द पाइप्स। क्लियर है? तो उसके लिए समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। क्या हमें देखना, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारा एयर वेजल नहीं लगा हुआ है तो वर्क डन कितना होगा, और जब हम लोग एयर वेजल लगा रहे हैं तब वर्क डन कितना है। तो परसेंटेज सेविंग ऑफ वर्क कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज सेविंग ऑफ वर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज वर्क सेव्ड, परसेंटेज वर्क सेव्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब वेजल एयर वेजल नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ उस समय का W निकाल लें, माइनस जब हमने एयर वेजल लगाया तब कितना W देना पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाई W1, और इनटू क्या कर देंगे, सॉरी इनटू क्या कर देंगे 100। ये हमको दे देगा परसेंटेज वर्क सेव्ड ड्यू टू एयर वेजल। क्लियर है इतनी बात? तो आगे जरा समझते हैं। तो हम लोग एक एक करके W1 और W2 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो W1 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा वो W1 क्या है, W1 मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है वो W1 है। तो एरिया अंडर द पैराबोला जो हमने अभी आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था, दिस वन, ये जो एरिया अंडर पैराबोला है ये वाला, ठीक है, तो ये एरिया अंडर द पैराबोला जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एरिया ऑफ द पैराबोला दैट इज द शेडेड रीजन इक्वल्स टू 2/3 बेस इंटू हाइट। हियर एच इज वॉट, HF एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
क्लियर है इतनी बात? तो और आगे अगर हम लोग पढ़ें तो बेस की जगह क्या है, स्ट्रोक लेंथ, और एच की जगह क्या ले सकते हैं, 4FLV² / 2GD, है ना। तो डब्ल्यू विल बी वॉट डायरेक्टली, डब्ल्यू वन विल बी वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3L × 4FL/2GD, और ब्रैकेट में क्या, V² अच्छा ये V कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल यू फाइंड दिस V, इसके लिए मैंने बताया था अगर ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्रैंक है, ये ऐसे क्रैंक आपका रोटेट करेगा, हमने बताया था आपको यहाँ पे ये x डिस्टेंस था, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था हमको, अगर याद है आपको लास्ट लेक्चर पहला वाला, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और हमने बताया था ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी r cos थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो, और ये r है तो, क्लियर है ना। तो हमने क्या लिखा था, x इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा, याद है पहले लेक्चर में हमने दिखाया था आपको, सेकेंड लेक्चर में सॉरी। तो dx/dt क्या हो जाएगा, r sin ओमेगा t, इसको हम लोग v बार बोल रहे हैं, v बार मतलब वेलोसिटी इन दी, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वॉट, इन द सिलेंडर। तो हमें पाइप में निकालना क्या करेंगे, a इंटू v इक्वल्स टू a इंटू v बार, देन v विल बी वॉट a बाई a डब्ल्यू आर साइन थीटा। तो हमें लेकिन v किस पे चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, क्योंकि हमें h हमें 90 डिग्री चाहिए, तो v एट थीटा इक्वल्स 90 डिग्री विल बी a बाई कैपिटल a बाई स्मॉल a इंटू r ओमेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, दिस एक्सप्रेशन इज शोइंग वर्क डन व्हेन एयर वेजल इज नॉट प्रेजेंट इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप, हैं। डब्ल्यू वन विल बी प्रोपोर्शनल टू 2/3 × L मल्टीप्लाइड बाई 4FL/2CD इन ब्रैकेट a बाई ए आर ओमेगा का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर सबको, ओके। तो हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे क्या, कि ये वर्क डन क्या होगा अगर हम लोग एयर वेजल को यूज़ करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, व्हाट इज दिस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन एयर वेजल्स आर यूज्ड। अच्छा, जब हम एयर वेजल यूज़ करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होगा मेजर पोर्शन ऑफ द पाइप में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ नेचर ऑफ प्रेशर हेड इन द पाइप विल नॉट बी पैराबोलिक, इट विल बी कॉन्स्टेंट दिस टाइम, क्लियर है। तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम लोग उसके वेरिएशन को शो करें, तो ये जो पैराबोलिक नेचर था प्रेशर हेड का, अब वो पैराबोलिक ना होकर क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर हेड हो जाएगा, और ये करेस्पॉन्डिंग किसके होगा, मीन डिस्चार्ज के। मीन डिस्चार्ज का मतलब क्या है, मीन डिस्चार्ज इज व्हाट LAN, LA क्या है, वॉल्यूम स्वेप्ट, और N/60 क्या है, N इज व्हाट, RPM, और ये क्या हो जाएगा, RPS। तो टोटल डिस्चार्ज, टोटल मीन डिस्चार्ज होगा, दैट विल बी LAW/2π, क्योंकि N/60 क्या होता है, W/2π के बराबर होता है, आपको पता है W=2π/N/60 होता है, क्लियर है। तो वेलोसिटी इन पाइप क्या हो जाएगा इस बार, वेलोसिटी, अच्छा अगर आपको मीन डिस्चार्ज पता है तो मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी पाइप में, मीन वेलोसिटी को हम लोग V* शो कर रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी इन पाइप। अब वेलोसिटी क्या होनी है, कांस्टेंट होनी है, तो क्या हो जाएगा, मीन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पाइप, क्लियर है। तो क्या लिखते हैं, A/A LW/2π। अच्छा ये LA/60 क्यों लिखा हम लोगों ने, ये आपको पता है ना, मीन डिस्चार्ज को LA/60 लिखते हैं कब, जब आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, क्लियर है। और अगर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, ये ट्वाइस हो जाएगी, क्लियर है। बस यही डिफरेंस होना दोनों एनालिसिस में, अगर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेन डिस्चार्ज आपका LA/60 हो जाएगा, और अगर आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो यहाँ पे यही चीज़ क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है एनालिसिस करते समय, क्लियर। तो आपको मीन डिस्चार्ज पता चल गया, तो आपने क्या कर लिया, जो मीन वेलोसिटी है वो पता चल गया। अब आपको पता है कि W2 विल बी व्हाट, दिस टाइम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार जो वेरिएशन है प्रेशर का वो पैराबोलिक नहीं है, कैसा है, लीनियर वेरिएशन है, कांस्टेंट प्रेशर हेड हो जाएगा वहाँ पे। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है रेक्टेंगल में, दैट इज DCC-D-, इसका एरिया इस बार हमें निकालना है, क्लियर है। तो इसका एरिया मतलब क्या है, कि ये आपका स्ट्रोक लेंथ है जिसको हम लोग L बोल रहे हैं, ये किसके बराबर होता है, 2R के बराबर होता है, ये बात सबको पता है, L इज व्हाट, इक्वल्स टू 2R, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, L मल्टीप्लाइड बाई HF, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो आते हैं आगे अपने डिवीजन,
ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इन टू एच एफ, और एच एफ क्या होता है, एच एफ को हमला फिक्स वही है 4FLV² / 2GD। हमने वी स्टार कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस वन इज योर वी स्टार, और इस वी स्टार की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना परसेंटेज वर्क सेफ, हमने स्टार्टिंग बताया था वर्क परसेंटेज वर्क सेफ विल बी व्हाट, W1 - W2 / W1 × 100। यहाँ पे W1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे W2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय W1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट परसेंटेज वर्क सेफ इक्वल टू 1 - 3/2π² × 100, और ये आएगा कितना 84.8%। मतलब सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में एयर वेजल के लगाने की वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क हम लोग कंज्यूम हो रहा था एक्स्ट्रा, उसका 84.8% रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। अगर यही डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाए तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप केस में केवल क्या चेंज जाएगा, ये जो मीन डिस्चार्ज है, दिस मीन डिस्चार्ज विल बी 2 ln/60, और ये 2 ln/60 हो जाएगा, तो वी जो हो जाएगा, वी स्टार जो जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ A/ALW/2π, और जहाँ भी वी स्टार है वहाँ पे ट्वाइस A/ALW/2π पुट कर देंगे, तो जो हमारा वहाँ पे परसेंटेज सेविंग ऑफ वर्क आएगा दैट विल बी 39.2%। इसका मतलब डबल एक्टिंग के केस में जो वर्क सेव होता है ड्यू टू यूज ऑफ एयर वेजल इज 39.2%। आपके लिए असाइनमेंट है, ये वाला पार्ट जो है आप खुद से कर लोगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल चेंज क्या करना है, जो डिस्चार्ज है रेट ऑफ डिस्चार्ज को आपको चेंज कर देना है केवल, क्लियर है। तो एज असाइनमेंट आप सबमिट करोगे, एज असाइनमेंट आप इसको सॉल्व करोगे, और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं AK2 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो AK2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, क्लियर है। इसका मतलब हम लोग समराइज अगर इसको करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि एयर वेजल के यूज करने की वजह से हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज तो मिलता ही मिलता है, यूनिफॉर्म डिस्चार्ज मिलता है, और साथ में क्या बेनिफिट होता है इसका, पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है, क्लियर है। कितना पावर कंजम्पशन कम होता है, अगर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो जो पावर फ्रिक्शनल लॉस की वजह से हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था उसका 84.8% कम हो जाता है इन केस ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, एंड इन केस ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इट विल रिड्यूस बाई 39.2%। Okay? Thank you.